हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ बहुत ही टेस्टी और शानदार स्नैक्स की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसको आप किसी भी पार्टी या टी टाइम में कभी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। बारिश के मौसम में क्रिस्पी और चटपटे स्नैक्स बनाने का बिल्कुल आसान और परफेक्ट तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। किसी भी सीजन में आप इसको बना सकते हैं। तो बनाना शुरू करें। इसके लिए मैंने लिए बॉयल आलू। इन मैंने मीडियम साइज के बॉयल आलू ले लिए हैं। इस तरह से हाथ से इनको क्रश कर लें। आप चाहे तो इसको ग्रेटर में ग्रेट भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इनको मैंने मैश कर लिया है। बॉयल लिया है 1 कप। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। भिगो के नहीं रखना है, बस इसको धो के छन्नी में छोड़ देना है। लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक, सब मसाले हम इसमें ले लेंगे। अगर इसमें से आप कुछ भी आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस टाइम प्याज लहसुन खाते हैं तो उसका पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सबको अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर लेना है। बिल्कुल एक जैसा डो, आटे की तरह इसका हम तैयार कर लेंगे। नमक मिर्च आप इस टाइम टेस्ट कर सकते हैं। अगर कम ज़्यादा लगे तो आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। को इस तरह से किसी भी बर्तन में या चॉपिंग बोर्ड पे आप थोड़ा सा सेट कर लें, ताकि जब हम जिस भी शेप में पीस को कट करें वो हमें परफेक्ट शेप मिल जाए। अच्छे से इसको प्रेस करके थोड़ा सा पतला मैं लेयर इसकी तैयार कर लूँगी। जितने भी मोटे पीस आपको चाहिए उतने आप इसमें कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेंगे आपके स्नैक्स। बेलन से मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा प्लेन कर दूँगी, ताकि देखने में भी सुंदर लगे। बिल्कुल आसानी से बन जाती, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती है। अगर आपको लग रहा है कि आलू में मॉइस्चर ज़्यादा है तो आप इसमें 1-2 चम्मच सूजी भी डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये इसमें सेट हो गया है। अब इसको हम फ्रीजर में रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। तब तक ब्रेड को हम ब्रेड क्रम बना लेंगे। ब्रेड को मैंने पीस के ब्रेड क्रम बना लिया। ये मैंने 4 चम्मच मैदा ली है। 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक लिया है। थोड़ा सा इसमें पानी लेके घोल बना लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बना लें। ज़्यादा पानी एक साथ डाल देंगे तो उसमें गुठलियाँ रह जाएंगी। पतला सा घोल हमें चाहिए। ये भी फ्रीजर में रख के मैंने 10 मिनट बाद इसको कट कर रही हूँ। ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो और अच्छे से कट हो जाएंगे। जैसे पसंद हो आपको वैसे इस पीस में शेप आप इसकी कट कर सकते हैं, या कुकी कटर से भी कट कर सकते हैं। इस तरह नाइफ से भी आसानी से कट सकते हैं। जैसी भी शेप आपको पसंद हो आप अपने पसंद से शेप कट करके इस तरह से पीस अलग अलग तैयार करके रख लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सारे पीस मैंने इसी तरह से रेडी कर लिए। इस तरह से रेडी करने के बाद फिर टाइम बहुत कम लगता है। आप इस तरह से रेडी करके फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह से घोल में डिप करेंगे और जो ब्रेड क्रम लिखा था उसमें अच्छे से लपेट देंगे। पूरे में कवर हो जाएगा ये। इसी से आपके स्नैक्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे। इसी तरह से लेना है, डिप करना है और कोटिंग करके रख देना है। बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो जाते हैं। थोड़ा सा प्रेस कर दें ताकि अच्छे से वो उस पर ब्रेड क्रम चिपक जाए। जो हम इसको फ्राई करें तो ये ज़्यादा ना निक। ऑयल हो गया गरम, अच्छे गरम ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। गरम में डालेंगे और जब इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी जब हम इसको पलटेंगे और गैस की फ्लेम को इस टाइम पर मीडियम कर देंगे, ताकि जो ये हैं वो अंदर तक भी सिक जाएँ और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँ, जले ना। बस थोड़ी सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल आपके स्नैक्स मार्केट जैसे बनेंगे। इसी तरह से उलट पलट के इसको क्रिस्पी होने तक हम सेक लेंगे। जैसा कलर आपको चाहिए वैसे सेक लें। सिक गए हैं ये अच्छे से। 1-2 सेकंड इसको और दूंगी। निकालते टाइम गैस के फ्लेम को तेज़ कर दें, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल भर जाता है वो रिलीज़ हो जाता है। अगर हम लास्ट में गैस के फ्लेम को तेज़ करके फिर हम निकालते हैं, तो कभी भी आप कुछ भी फ्राई करें तो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। ये अच्छे से हो गए हैं फ्राई। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और सारे पीस इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। अगर आपको इनको रखना है तो आप इसको हाफ़ फ्राई करके
रख सकते हैं स्टोर करके, 2 से 3 दिन तक आप इसको फ्राई करके फिर खा सकते हैं। या आपके घर में कोई पार्टी है तो पहले ही आप इसको हाफ फ्राई करके रख लें, और जैसे ही आपको इनको यूज़ करना है उसी टाइम इसको डिप कर फ्राई करके अच्छे से तेज गरम ऑयल में क्रिस्पी कर लें। इसी तरह से आप रेडी करके रख सकते हैं। ये लीजिए, हो गए हमारे टेस्टी और शानदार स्नैक्स रेडी। बहुत ही टेस्टी बनी है, बिल्कुल आसान रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करने के बाद अपने कमेंट जरूर शेयर करना आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसके अलावा और कौन सी रेसिपी आपको चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। बारिश के मौसम में इसी तरह के टेस्टी और स्नैक्स फटाफट बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ज़रूर ट्राई करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और अगली अच्छी बढ़िया सी रेसिपी में, जब तक के लिए बाय।